बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे 1TR 2TR जो हाईएस्ट वाला इंजन है उसका जो एयर फ्लो सेंसर है उसकी पिन आउट, उसकी तारें कहाँ कहाँ जाती है, इंशाल्लाह आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। एयर फ्लो की जो तारें हैं वो जो उसमें एक इग्निशन का करंट है और तीन तारें जो है वो 35 पिन ग्रिप में जाएंगी, एक तार जो है वो 34 पिन में ग्रिप में जो है वो लगेगी। पहले 35 पिन ग्रिप की जो है ना उसके डायग्राम बनाते हैं। पहले स्टेप में 7 तारे हैं, दूसरे में 12 तारे हैं, तीसरे में जो है 8 तारे हैं, चौथे में भी 8 तारे। अब एयर फ्लो का ग्रिप बनाते हैं। एयर फ्लो का ग्रिप जो है वो 5 तारों वाला होता है। इसमें एयर फ्लो की जो एक नंबर वाली तार है इसमें आता है इग्निशन का करंट, IGSW इग्निशन का करंट आ गया। जो दो नंबर वाली तार है उसमें आता है E2G। E2G ये जो है ये ग्राउंड होता है जो ECU से निकलता है, और ये जो है जो चौथी लाइन है इस 35 पिन ग्रिप की उसके 3 नंबर पर लगेगा E2G। 3 नंबर जो है इसमें आता है VG। VG जो है ये एयर फ्लो सेंसर वाली तार है, और ये जो तीसरा चौथा स्टेप है इसके जो है 1 नंबर पर लगेगा, ये VG आ गया। 4 नंबर जो है ये आता है THA। THA जो है ये एयर सेंसर की तार है, और ये जो है इसी चौथे ग्रिप में जो चौथा स्टेप है इसके 2 नंबर पर आ गई। और 5 नंबर जो है ये है ग्राउंड E2, ये भी ECU से आता है, और ये जो इसी तरह का जो 34 पिन ग्रिप है उसके जो नीचे वाली चौथी लाइन है उसके 1 नंबर पर आता है। 1 नंबर इग्निशन का करंट, 2 नंबर E2G, 3 नंबर VG, 4 नंबर THA और 5 नंबर E2।